नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स की खबरें। इस वक्त की पंचायत चुनाव को लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से, जहां फतेहपुर पुलिस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की है। जिले में 500 से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की है। आपको बता दें, साथ ही 30,000 से ज्यादा असामाजिक तत्व के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई कर 8200 अराजक तत्वों को अब तक पाबंद कर चुकी है फतेहपुर की पुलिस। इसके अलावा जिले में 75 ऐसे टॉप 10 अपराधी हैं जिनकी हिस्ट्री शीट खोली गई है। एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न करने के लिए पोलिंग स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। ये डालते रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट पर एक नजर। टेंगो, ये सीक्यू करके सबको बता दीजिए कि जो एचएस की निगरानी का लगातार अभियान चल रहा है, इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता ना बरती जाए। जिस भी थाना क्षेत्र में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं पुराने, और जो अभी एक महीने में जो हिस्ट्री शीट हमारे द्वारा खोली गई, इन सब में लगातार निगरानी रखें। सभी हिस्ट्री शीटर्स की चेकिंग करा ली गई है। करीब 70% से ज़्यादा असले जमा करा लिए गए हैं। निरोधात्मक कार्रवाई में 30,000 से ज़्यादा लोगों पर 116 की कार्रवाई की गई है, जिसमें 8200 से ज़्यादा लोगों को पाबंद किया गया है। इसमें हमने एक पोलिंग स्टेशन पर एक इंचार्ज को नियुक्त कर एक पोलिंग स्टेशन एक इंचार्ज का एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें उस पोलिंग स्टेशन पर एक इंचार्ज, चाहे वो बीट कांस्टेबल हो, चाहे वो हेड कांस्टेबल हो या उसमें सब इंस्पेक्टर हो, उसके द्वारा उस पोलिंग स्टेशन पर सभी जानकारियां जुटाई गई हैं। इसमें चाहे असामाजिक तत्वों के संबंध में जानकारी हो, अपराधियों के संबंध में जानकारी हो, और उसी आधार पर निरोधात्मक कार्रवाई, उसी आधार पर असले जमा किया जाना और दूसरी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ये एक नोडल पॉइंट होगा जिसके आधार पर पूरे के पूरे पोलिंग स्टेशन को के संबंध में जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं, और इसको और ज़्यादा सशक्त कर पूरे पंचायत चुनाव को शांतिपूर्वक ढंग से सकुशल संपन्न कराया जाए। जिले में कितने लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की? देखिए, चुनाव के दृष्टिगत शुरू से लेके अब तक 500 से ज़्यादा लोगों के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, और शीघ्र ही इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो आपराधिक और असामाजिक तत्वों के लोगों को, जिला बदल कर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव